निर्गमन का पुस्तक 32 अध्याय का 32वां वचन, उसमें मूसा सुंदर ढंग से इस प्रकार कहता है, उसको पढ़ेंगे। तौबे, अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तकों में से मेरे नाम को काट दे। इस्राएलियों ने पाप किया है। परमेश्वर मूसा से कहा, हे मूसा, मुझे छोड़ दो, मैं इन सब को सत्यनाश करूंगा, मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा इसे प्रार्थना किया, हे प्रभु, इन लोगों की पापों को तू क्षमा करना है, अगर नहीं तो लिखी हुई मेरे नाम उस पुस्तक से काट डाले। यहाँ पुस्तक का मतलब क्या है? उस जीवन का पुस्तक। और क्या कहता है? उस पुस्तक से मेरे नाम को तू काट डालना है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? मेरे लोग नरक नहीं जाना है, वे स्वर्ग आना है, चाहे मैं नरक चले जाऊं, वो इसमें अटल है। हे प्रभु, मैं स्वर्ग जाऊं या मेरे लोग नरक जाएं, ये कदाबित ना हो। मेरे आंखों के सामने मेरे लोगों के सत्यनाश को मैं नहीं देख सकता हूं। चाहे मैं नरक जाऊं, कोई बात नहीं, इतने मेरे नाम को तू काट डाले, इनको तू क्षमा करना है। वो कहता है, मेरे लोग नरक नहीं जाना है। अपने भाइयों के प्रति इतना प्रेम है, किसी को नरक भेजने के लिए मूसा का मन नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों, इसको सुनने वाले सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये बोझ आपको होना चाहिए। आपके परिवार में पति उधार नहीं पाए, जो उधार नहीं पाए, क्या उनके लिए बोझ है? शायद आपके परिवार में आपके बच्चे प्रभु को ना जाने, उनके लिए क्या आपके पास बोझ है? पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। आपके गली में शायद बहुत लोग होंगे, आपके लिए मदद किए होंगे, क्या उनके लिए आपके पास बोझ है? नाश होने वाले, स्वर्ग में आना है, ये बोझ होना चाहिए। यही जो है सेवकाई की बोझ कहते हैं। क्या ये बोझ आपके दिल में है? मसीह लोग शेर नहीं है, भेड़ों की वो झुंड है। शेर अकेला ही घूमता है, लेकिन भेड़ों के देखिए, हमेशा वो एक साथ ही घूमता है। मैं और आप भेड़ों के समान है, सिर्फ मैं स्वर्ग जाना है, ऐसे आप सोचना नहीं है। उदार का आनंद सब लोग प्राप्त करना है। मैं जैसे स्वर्ग जा रहा हूं, वे सब भी स्वर्ग में आना है। मेरे गली में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, सब लोग स्वर्ग में आना है। इस प्रकार का आत्मिक बोझ होना चाहिए। यही जो है परमेश्वर की आगमन में जाने वाले झुंड की लक्षण है। प्रार्थना में तैयार हो जाइए, बाइबल पढ़कर तैयार रहिए, और कहते हैं परमेश्वर के लिए सेवा करके अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।